हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये डोरमैट बनाया है। इसे मैंने वेस्ट पड़ी हुई कैरी बैग से बनाया है, जिसमें हम अपने कपड़े लेकर आते हैं उन कैरी बैग का यूज करके मैंने ये डोरमैट बनाया है। तो चलिए इस डोरमैट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह के वेस्ट पड़े हुए कैरी बैग में से, जिसमें हम कपड़े लेकर आते हैं उनमें से आज हम डोरमैट बनाएंगे। तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर ये कैरी बैग है, तो इसमें से हम पहले नीचे का थोड़ा सा पार्ट कट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चौको पीस की ज़रूरत है इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर 2x2 के या फिर 2.5x2.5 के हम यहाँ पर चौकोर पीस कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2.5x2.5 के चौकोर पीस कट करूँगी। तो 2.5 इंच की मैं यहाँ पर पहले पट्टियाँ कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें से चौकोर पीस कट कर लूँगी। तो ऐसे ही हम इसमें से और इस वाली पॉलिथीन में से दोनों में से एक जैसे पीस कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ कर लिए हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों में से ये चौकोर पीस कट कर लिए हैं। तो अब हम इसके लिए बेस देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जींस में से, फटी पुरानी जींस में से ये अवल शेप में ये कट कर लिया है पैंट को। तो अब हम एक पीस लेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी इस पर रख सकते हैं। इसके हम चार और इस पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो एक वाइट और एक जो हमने दूसरा कलर लिया है इसे लगाकर सिल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर दो दो भी इस पर लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दो में रेड को रखूँगी, जो मैंने चौकोर में पीस कट किए हैं। तो इस तरह से हम इनको फोल्ड करेंगे दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए इस तरीके से। हम चौकोर पीस बना लेंगे इसका ट्रायंगल, चौकोर से तिकोना पीस बनाते हुए इस तरह से रखकर दो में रेड रखूंगी, तो उसके बाद मैं दो वाइट रखूंगी। और इस तरह से रखते हुए हम इसके चारों ओर सिलकर तैयार कर लेंगे। तो इसे हम सिल लेते हैं। ये देखिए, इसके चारों ओर मैंने इनको सिल दिया है। तो अब हम फिर से लेंगे, तो कोई भी कलर लेंगे, एक कलर, और जहाँ पर हमने वाइट को रखा था उसी की जगह पे हम वाइट को रखेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से रखेंगे और इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सेकंड रो भी हम लगा कर और इसमें सिल का तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट रो को मैंने सिल लिया है इस तरीके से। तो ये देखिए, इस पे मैंने सेकंड रो को लगा लिया है। तो इसी तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें इसी तरह से लगाकर हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने पूरा कवर कर लिया है। तो बीच में हमारी जगह बची हुई है, तो इसे भी हम फिल कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर रेड लगाऊंगी तरीके से। तो यहाँ पर मैं सीधी लाइन इसमें सिलकर तैयार कर लूँगी, तो इसे भी मैं सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर भी हम दो दो लगाएंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने पूरा सिल लिया है यहाँ से। तो जो भी एक्स्ट्रा है इसमें इसे उल्टा कर लेंगे, और जो भी हमारा बेस से एक्स्ट्रा है उसे हम इसमें से कट कर देंगे, क्योंकि अभी हम इस पर फ्रिल में इस
इसकी किनारी लगाएंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे आप ऐसे ही रख सकते हैं, आप चाहे तो मेरी तरह से काट भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो अब हम सबसे पहले इस पर किनारी लगाएंगे, तो हम रेड वाला या फिर ये जो है हमारा दूसरा कलर रेड वाला या वाइट वाला कोई भी ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे रेड से इसकी किनारी लगा रही हूँ। तो इस तरह से रखते हुए ऊपर से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसकी चारों तरफ से किनारी लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर 2 इंची की ये पट्टी ली है, तो इस तरह से रखेंगे पीछे से, और आगे से हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे जिससे जो हमारी किनारी है वो इक्वल आए। इस तरीके से रखते हुए हम इसके चारों ओर किनारी लगा कर तैयार कर लेंगे। तो इसकी किनारी लगा लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी मैंने चारों तरफ से किनारी लगा ली है। तो अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वाइट वाला कैरी बैग लिया हुआ है, और ये मैंने रेड लिया है। तो मैंने इसे 2 इंची का रखा हुआ है, तो इसे मैंने 1 इंची का रखा है इस तरह से। तो अब हम इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रखेंगे, और इस पे हम प्लेट लगाकर इसकी फ्रिल तैयार कर लेंगे। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, फ्रिल को मैंने सिल लिया है। तो अब हम अपना डोरमैट लेंगे, और इसके किनारी पर हम इस फ्रिल को लगाकर तैयार कर लेंगे। तो नीचे की साइड में हम इसे रखेंगे, तो ये देखिए इस तरह से, और इसके चारों ओर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसे हम सिल लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी मैंने किनारी लगा ली है। तो ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है, और ये देखिए किनारी भी हमारी डबल कितनी ही सुंदर लग रही है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। वेस्ट पड़े हुए कैरी बैग से हमने कितना ही सुंदर सा ये डोरमैट बना लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।